नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सर्दियों में कहाँ घूमें। दोस्तों, जनवरी ख़त्म होने वाली है और फरवरी लगने वाली है, तो हम कहाँ घूमें और सस्ते सस्ते जो हमें ज़्यादा भी खर्च ना उठाना पड़े। दोस्तों, सर्दियों में घूमने का मज़ा कुछ और ही है। अक्सर लोग जनवरी ठंड में घूमने जाते हैं और सर्दियों में घूमने लायक बस 5 जगह हैं। देखो, जगह तो बहुत हैं सर्दियों में घूमने के लिए, हम कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन मैं आपको वो जगह बताऊंगा जो आप सस्ते में आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला जो है वो है जैसलमेर। दोस्तों, ठंड में राजस्थान की सैर करना बहुत ही अच्छा रहेगा। राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर बहुत बढ़िया जगह हैं। बाड़मेर राजस्थान में स्थित है, वो छोटा सा शहर है लेकिन रंगों से भरपूर है। यह शहर झीलों का शहर भी कहा जाता है इसे, और आप इस शहर में बहुत आराम से घूम सकते हैं। दोस्तों, आप जैसलमेर जाके, अब जैसे आपका बाड़मेर हो गया, उदयपुर हो गया, आप आराम से हाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया जगह है आपको ठंड के मौसम में घूमने के लिए। दूसरा दोस्तों हमारा गोवा। बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे गोवा तो बहुत महंगा। नहीं दोस्तों, गोवा बहुत सस्ता है। आपको लगता होगा कि गोवा बहुत महंगा, नहीं, सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा जो आप वहाँ इंजॉय ले सकते हो, मज़े ले सकते हो दोस्तों, वो आपका गोवा है। गोवा आप जनवरी फरवरी के माह में गोवा बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ते में जा सकते हैं। यदि आप समुद्र को देखना चाहते हैं दोस्तों, आप बीच को देखना चाहते हैं, समुद्र की लहरों को देखना चाहते हो, मज़े लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आप गोवा जाएं। गोवा में आपका मीरामार बीच, कालगुट बीच, बहुत सारे बीच हैं, बहुत मज़ा आता है इसमें, और सबकी जाने की ख्वाहिश होती है कि हम एक बार गोवा जाएं। दोस्तों, आप फरवरी में, मार्च में गोवा जा सकते हैं, और सबसे बढ़िया कम बजट में आराम से जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, जो हमारा जो तीसरा पॉइंट है, जो हमारा तीसरा है दोस्तों, वो बहुत सस्ता है और आप बहुत आराम से जा सकते हैं, वो है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है तो दोस्तों दूर, लेकिन आप हाँ बहुत आसानी से जा सकते हैं। यदि आप सर्दियों में टापू का मज़ा लेना चाहते हैं, तो आप भारत में लक्षद्वीप के अलावा भी कई स्थान हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप है, पांडुचेरी है आदि, कि सभी चारों ओर समुंदर से घिरा हुआ है दोस्तों, और आपको जाओगे तो बहुत शांति मिलेगी और बहुत इंजॉय कर सकते हो, कि चारों ओर समुंदर ही समुंदर है, और हाँ देश विदेश से ऐसे भी लोग आते हैं। हाँ, सर्दियों में जा सकते हैं, और आप गर्मियों में, लेकिन हाँ ज़्यादातर सर्दियों में जाते हैं, क्योंकि उसका इंजॉय सर्दियों में अलग ही है। दोस्तों, जो हमारा चौथा आता है वो है हमारा मसूरी। आप ठंड में अपनी ठंडी जगह घूमने का मज़ा ही लें। अगर आप चाहते हो कि हम ठंडी जगह में ठंड घूमें, मतलब हम मसूरी, उत्तराखंड में है ये, मसूरी एक हिल स्टेशन है, ये देहरादून से 35 किलोमीटर और दिल्ली एनसीआर से लगभग 250 किलोमीटर है। इसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है दोस्तों। मसूरी आप अगर फरवरी में जाओगे तो आपको हाँ बर्फ़ मिलेगी कुछ, और आपको ठंडा मौसम मिलेगा और बिल्कुल चिल्ड आपको चारों ओर से बर्फ ही बर्फ। हाँ, घूमने का मज़ा कुछ और है, आप कहोगे जैसे कि हम अपने जन्नत में आ गए। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया जगह है, आप जा सकते हैं। शिमला सबसे बढ़िया है, सबसे सस्ता है, आप शिमला जा सकते हैं। शिमला भी बहुत बढ़िया है, शिमला जाके आप इंजॉय कर सकते हैं, और शिमला से भी आगे आप मनाली जा सकते हैं। दोस्तों, ये रही हमारी बहुत बेस्ट जगह हैं जो मैं आपको बताया मैंने। और अगली जो हमारे सबसे लास्ट है वो है हमारा मुन्नार। केरल का एक मुन्नार हिल स्टेशन है, जिसे आप सुरक कह सकते हैं, कि तीनों पर्वतों से घिरा हुआ है ये, इसके चारों ओर तीनों पर्वतें हैं और आपके चारों ओर से घिरा हुआ दोस्तों, और ये बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए मुन्नार, आप वहाँ जा सकते हैं। और सबसे बेस्ट जगह है, ये मैंने आपको 5-6 जगह बताई हैं, आप सर्दियों में यहाँ घूमने जा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी के दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।